जय हिंद दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों, इंडियन नेवी SSR का एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है 100% और ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। देरी के लिए क्षमा गाइस। और यहाँ पे क्योंकि अभी जो आपका साइट है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वेबसाइट पर काफ़ी कैंडिडेट्स एक साथ लॉग इन कर रहे हैं, तो जिनका अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लीजिएगा, एक बार थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपका जरूर ही थोड़ी देर में पेज खुल जाएगा। काफ़ी कैंडिडेट्स एक साथ लॉग इन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रहा है, और इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको बताया हुआ है प्रोसेस, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, नया पेज ओपन होने में काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। आप सोच रहे होंगे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, काफ़ी मतलब इंतजार है सभी को कि एडमिट कार्ड कब से देख पाएंगे हम। तो गाइस, अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा तो इसका हम कह नहीं सकते, यहाँ पर अभी तक तो कैप्चा भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस बात को यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना है, ईमेल आईडी डाल देना है, और ईमेल आईडी डालने के बाद में यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है, जो पासवर्ड नेवी के लिए रजिस्टर्ड किया है वो पासवर्ड डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। अपनी ईमेल आईडी के पासवर्ड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिखाई नहीं दे रहा है कैप्चा, तो यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना, इससे फिर लॉगिन कर देना। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए गाइस, कुछ अपडेट होता है क्या नहीं होता, इस बात का यहाँ पे देखना है, आपको अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लॉगिन कर देना है, मैं यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद में आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ फिलअप कर देना, ईमेल आईडी जो नेवी पर रजिस्टर्ड है, पासवर्ड जो नेवी के लिए रजिस्टर्ड किए गए हैं वो डाल देना, और कैप्चा डाल देना। समझ में नहीं आया तो कैप्चा यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना और लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा, काफ़ी समय ले रहा है लेकिन आपको इस बात में वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पर लॉगिन करता हूँ तो काफ़ी समय लेगा गाइज, यहाँ पर देख लीजिएगा अभी ये लॉगिन हो रहा है। और तो दोस्तों, यहाँ पे प्रोफाइल ओपन हो चुका है, काफ़ी टाइम लगेगा, आपको वेट करना होगा इस चीज़ का, लेकिन यहाँ पे SSR 08 2020 वाले पे डबल ए वाले पे इस पर क्लिक कर देना, व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही व्यू वाले पे आप क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। व्यू पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा यहाँ से, और आपको उसके बाद में ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो यहाँ से जैसे वेट कीजिएगा थोड़ा सा और यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो इसको आगे प्रोसेस करना होगा, मैं सारी प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, और काफ़ी कैंडिडेट्स इस बात से परेशान है तो टेंशन मत लीजिएगा, जल्द से जल्द आपका डाउनलोड हो जाएगा। अभी साइट बहुत ज़्यादा बिजी है, आप सोच नहीं सकते उतना भी ज़्यादा। तो दोस्तों, नया पेज ओपन होने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू डाउनलोड INT, आपका जो इंडियन नेवी का एग्जामिनेशन है। क्लिक हेयर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे जल्द से जल्द करना है, और डू यू नाउ इस पर आपको ओके कर देना है गाइज, और इसके बाद में डेस्कटॉप मोड में जाना है और जल्द से जल्द में इसको डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है। इसके बाद में ओपन होने के बाद में गाइज, यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पे आपको 24 तारीख से लेकर 1-4 तारीख तक आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक दूंगा आपको, इस पर आप आ जाना, ट्रैफिक से बच सकते हो। और गाइज, आपको यदि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर याद है तो आप, और आपकी डीओ भी याद है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपका सबसे पहले मीडियम है वो सिलेक्ट करना है, मीडियम में हिंदी कर देता हूँ यहाँ पे, और गाइज यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है तो वो डालनी है एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है और लॉग इन कर देना है कैप्चा लगा के। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है वो सब डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ भी डाल देता हूँ, और डेट ऑफ बर्थ है वो डालने का जो प्रोसेस है वो आपको ध्यान रखना है, यानी जिसकी यदि जैसे 1/5 यहाँ पे लगाने के बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डाल देना है। कैप्चा मैं भी आपको फिलअप कर देता हूँ सब कुछ, उसके बाद में आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सब कुछ डाटा सही तरीके से फिलअप करना है, सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, यदि आपके पास प्रिंट है तो उससे भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, इस पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। डी ओ बी यहाँ पे डालना है, जैसे आपकी 1/5/2000 है तो आपको 0105 लगाना है, ठीक है। उसके बीच में डैश डालना है, डैश वाला वो ऑप्शन डालना है, डैश सा आप मतलब आप इससे कीबोर्ड से ले लेना, और ये आपसे कैप्चा डालना है, कैप्चा आपके समझ में नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश कर लेना, जल्द से हो जाएगा, और फिर लॉगिन वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन वाले बटन पे मैं अभी क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट अपना जो है ऐप ओपन हो जाएगा गाइज। यहाँ पे आने के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और अभी भी देखिएगा गाइज, ये मतलब प्रवेश पत्र है आ चुका है। लेकिन तो दोस्तों, इसको आपको प्रवेश पत्र पे आप क्लिक कर दीजिएगा, आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, उस प्रवेश वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और यहाँ से आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। इससे क्लिक हेयर टू प्रिंट करके आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा इसके बारे में कि यहाँ पे क्या सिस्टम रखा गया है, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा गया है गाइज, यहाँ पे जो ऑनलाइन परीक्षा का केंद्र है वो जयपुर रखा गया है, और जो परीक्षा का केंद्र कोड है वो यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे सब कुछ परीक्षा है मतलब सब कुछ यहाँ पे सब कुछ प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। परीक्षा की तारीख से मतलब 72 घंटे पहले आपके डैशबोर्ड में सबसे बड़ा अपडेट है, केंद्र नहीं
बताया गया इस बार बहुत ही बड़ा अपडेट है नेवी की ओर से। और यहाँ पे जो आपका है जो कि आपका परीक्षा एग्जामिनेशन जो मतलब सिटी के लिए यहाँ पे बता दिया जाएगा, और आपका 4 तारीख को इनका है और शिफ्ट 3 है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। और मिनिमम पासिंग मार्क की भी बात करेंगे तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, आपको प्रूफ के साथ मैंने दिखा दिया है। और धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपके साथ आते रहेंगे। देरी के लिए क्षमा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।